आपके साथियों, ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास बता रहा है, इतिहास बताता। और ऐसे ऐसे संत को इन्होंने छेड़ने का काम किया, इनको ये महंगा पड़ेगा। इसमें आज पूर्व विधायक डॉक्टर बी एल सैनी, पिंकी छप्पर, अनीता छोली, एक शोभा, सुषमा और स्वयं हमने एक दिन का उपवास रखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 650 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर तोड़ने का काम किया, जिससे देश के करोड़ों लोगों के आस्था को ठेस पहुंची है। और उसके विषय में 21 अगस्त को पूरे देश के दलित समाज ने दिल्ली के अंदर शांतिप्रिय ढंग से जो धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन इस बेईमान सरकार ने क्या किया, हमारे समाज के 96 लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में बंद करने का काम किया। और आज इस धरना के माध्यम से हमने CTM के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा कि जल्द से जल्द तुरंत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर बनाया जाए, और हमारे जो समाज के लोग जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए वो कैंसिल किए जाए और उनको छोड़ा जाए, नहीं तो ये सरकार को महंगा पड़ेगा। क्योंकि भाजपा एक तरफ तो कहती है मंदिर बनाओ और दूसरी तरफ मंदिर तोड़ने का काम कर रही है। इन्होंने हमारे गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा, हम आने वाले समय में बताएंगे हम इनको तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि दलित समाज को इन्होंने ललकारा। और जब जब भी दलित समाज को ललकारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने झुकना पड़ा, क्योंकि पिछले साल मार्च में STSC कानून को कमजोर करने का काम किया था, लेकिन जब पूरा देश सड़कों पर उतरा मजबूरन सरकार ने वह अध्यादेश वापस लेना पड़ा। और आज भी यही है, सरकार ने जिन्होंने तोड़ा वो स्वयं मंदिर बना करके देंगे, 100% बना करके देंगे, नहीं देंगे तो उनको भुगतान करना पड़ेगा। पूरा दलित समाज आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार हमारे संत समाज के लोग हमें मार्गदर्शन करेंगे, हम उसके हिसाब से चलेंगे। जय भीम, जय भारत। मामला ये है कि जो दिल्ली के अंदर इस मौजूदा सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं तो ये कहूँगा, जो रविदास जी का लगभग 500 साल से पुराना मंदिर था, प्राचीन मंदिर जिसको बोलते हैं, जिसमें लोगों की आस्था बहुत है,
दूर दूर से लोग जाते हैं वहाँ माथा टेकने के लिए। उस मंदिर को गिरा दिया और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है, लोग भी हमारे। अब SYL का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कब का दे दिया था? क्या SYL नहर बनी? क्या किसी ने बनाई? तो इस प्रकार से ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। कोई और कोई ना कोई याचिका डाल देते, मंदिर नहीं गिराना चाहिए था। और मंदिर अब गिरा भी दिया और लोगों की भावनाएं जुड़ी है, मंदिर वहीं बनना चाहिए। और ये मंदिर ये बना करके भी बना करके लेंगे इनसे मंदिर। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि मंदिर वहीं बनेगा और इनको बनाना पड़ेगा और इसका खामियाजा ये भुगतेंगे। अगर सरकार ने नहीं सुनी तो हम 3-4 दिन देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर परमानेंट धरना लगा देंगे और भूख हड़ताल रखेंगे। दलित समाज से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इन लोगों को, इन मनुवादी लोगों को समझो, ये मनुवादी हैं, ये कभी कभी भी ये आपके नहीं हुए, किसान मजदूर के नहीं हुए, दिहाड़ीदार मजदूर के नहीं हुए, किसी दलित के नहीं हुए, बैकवर्ड के नहीं हुए, लेकिन हम लोग वैसे पागल इनके पीछे हो रहे हैं, जबकि ये किसी हमारे पे भला नहीं सोच सकते। ये सोचेंगे अडानी का और दूसरे टाटा का, बिरला का, ये तो इनका भला सोचेंगे, हमारा कब सोचेंगे ये? तो इसलिए मेरी दलित समाज से भी ये कहना चाहूँगा कि एकजुट होकर के जैसे ये आए थे वैसे इनको दड़ा दो। और हरियाणा प्रदेश में भी ये कह रहे हैं ना 70 पार 75 पार, इनको 70 से बाहर कर दो, पार नहीं बाहर, ये कहना चाहता हूँ। मैं जाकिर हुसैन, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष। ये जो फैसला है कोर्ट का, इसको लागू करने में सरकार को इतनी तत्परता नहीं दिखानी चाहिए थी। और आनन फानन में मंदिर का तोड़ा जाना लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली बात। यहाँ पर कोई जाति भेदभाव वाली बात इस तरह की अभी तक नहीं थी। जो पीछे सरकार रही है, सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का हमेशा सम्मान किया है, कोर्ट के फैसलों का भी सम्मान किया है। लेकिन सरकार के पास बहुत विकल्प होते हैं, सरकार उसमें जो है कोर्ट में जो है ना लोगों की तरफ से, अपने वर्ग की तरफ से पैरवाई कर सकती है। और सरकार को ऐसे आनन फानन में, इतनी जो जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था मंदिर के गिराने का। इससे लोगों की बहुत भावनाएं आहत हुई हैं और पूरे देश में आज जो शोषित वर्ग है उनके अंदर एक भावना, उस असुरक्षा की और एक ऐसी भावना पैदा हुई कि सरकार ने ये कृत्य जानबूझ के किया है, हमें जो है ना हमें दुख तकलीफ देने के लिए, हमारी भावनाएं आहत करने के लिए। सरकार को ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए, सबको सम्मान लेकर चलना चाहिए। और ये बहुत भारी गलती है, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नहीं तो सरकार वक्त रहते ही इसका जो है ना कोई समाधान करे, भावनाओं को ख्याल में रखते हुए मंदिर को वहीं बनवाए और अपने खर्चे पे बनवाए, ताकि जो है ना वहाँ एकजुटता सर्व समाज की इसी तरह देश में आपस में सबकी बना रहे, सबको सरकार में आस्था रहे, सरकार के प्रति सब में ऐसी ही आस्था रहे और सभी वर्गों को जो है ना आगे बढ़ने का मौका मिले, किसी को भी ऐसे जो है ना किसी को चोट पहुंचा के ये देश तरक्की नहीं कर सकता।